नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कुल 9 विकेट चटकाए। इस मैच में शानदार गेंदबाजी करने के बाद अश्विन ने कहा कि उन्हें गेंदबाजी करने में काफी खुशी मिलती है। इस मैच में 9 विकेट हासिल करने वाले अश्विन ने जो कुछ भी कहा वो वाकई दिल छू लेने वाली बातें हैं। दरअसल चेन्नई की पिच बल्लेबाजों के लिए फेवर करने वाली पिच मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि यह पिच गेंदबाजों के लिए कब्रगाह है। बावजूद इसके अश्विन ने इस पिच पर लगभग 73 ओवर तक गेंदबाजी की और उनको इसके फल स्वरूप 9 विकेट हासिल हुए। कमर में दर्द के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट से बाहर रहे अश्विन से उसके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, लोग काफी रोचक विश्लेषण करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन एक क्रिकेटर के जहन में ये बात सबसे आखिर में होती है। रोज 40 से 50 ओवर डालना और फिर नेट्स पर जाना मेरी क्रिकेट दिनचर्या का हिस्सा है। गेंदबाजी में मुझे इतनी खुशी मिलती है कि कई बार शरीर साथ नहीं देता तो भी मैं गेंदबाजी करता रहता हूं, मुझे इससे इतना प्यार है। आगे अश्विन ने तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की बात को दोहराते हुए कहा कि यह पिच सपाट है, लिहाजा टॉस की अहम भूमिका इस मैच में रही। उन्होंने कहा कि जब मैंने विकेट देखी तो मुझे लगा कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी, लेकिन दूसरे दिन से बेहतर होती जाएगी। ये वाकई सपाट पिच है और टॉस काफी अहम रहा। बहरहाल आर अश्विन के लिए भले ही ये मैच अच्छा रहा हो, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से ये मैच काफी खराब रहा। टीम इंडिया ने ये मैच 227 रनों के अंतर से गंवा दिया। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड अभी 1-0 से आगे हो गई है। सीरीज का दूसरा मैच 13 फरवरी से इसी मैदान पर खेला जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।